ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक पेज के में लाइव आने के लिए सबको धन्यवाद, जोहार। सभी दर्शकों का ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में स्वागत है। आप सभी को हम एक ऐसी खबर से अवगत कराने जा रहे हैं। पहले आपको थोड़ा खबर हम बता दे रहे हैं। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन परिसर से हम लाइव आए हैं। हम चूंकि अपना रेलवे स्टेशन काउंटर, बुकिंग काउंटर में आए थे कुछ काम से, उसी समय नज़र पड़ी कि एमपीएस स्कूल के जो एक शिक्षिका है, उन्होंने कुछ बच्चे को बता रहे थे कि बच्चे को कलेक्ट करो और उनको नाश्ता कराना है। हमारी नज़र उस पर पड़ी। पढ़ने के बाद हम जानकारी लिए तो पता चला कि सोहन महतो एमपीएस स्कूल कक्षा 5 का छात्र है। आज उसका जन्मदिन है और अपना जन्मदिन जो है स्टेशन क्षेत्र में जो असहाय बच्चे घूमते रहते हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, वैसे बच्चों के साथ, ए बाबू इधर इधर, वैसे बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का आई, मैंने जनाने का जन्मदिन मनाने का प्रयास किया है। और ये सोहन, ये बच्चे देख रहे हैं, ये सभी स्टेशन क्षेत्र में इधर उधर घूमते रहते हैं, असहाय बच्चे हैं और जिनका जन्मदिन है उस बच्चे से हम लोग थोड़ा बात करेंगे, सोहन बाबू से। सोहन बाबू, ये कक्षा 5 एमपीएस स्कूल का कक्षा 5 का छात्र है। पहले तो सोहन बाबू को ब्रेकिंग न्यूज चक्रधर और बढ़िया से पढ़ो बाबू। और जो आपने सोचा कि भाई मेरा जन्मदिन है और हम इन बच्चों को नाश्ता कराएंगे, मिठाई खिलाएंगे, कपड़ा बांटेंगे, थोड़ा तुम बताओ बाबू कैसे सोचा तुम ये काम? हम YouTube में देखते हैं कि सबको ये डोनेट करता है, तो हम भी सोचे कि हम भी करेंगे। अच्छा, तो ये अपना जन्मदिन जो है, जन्मदिन पर तो इसके लिए खबर जैसे देख रहे हैं कि आपके स्कूल के मैम लोग भी आए हैं, एक टीचर हैं, उन लोग को खबर किए थे आप? अच्छा, तेरा दोस्त भी आए हैं ना? कौन, क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा केतन। चेतन क्या? केतन। कितना में पढ़ते हैं आप? 5 एमपीएस में ही। हाँ। आप बाबू? कौशल प्रधान। अच्छा, हाँ, 5A में पढ़ते। ये अपने दोस्त सोहन जो है अपने दोस्तों के साथ इस चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा है और ये जो बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों को मिठाई खिलाया है, नाश्ता कराया है और जैसे मैम बता रहे हैं कि कुछ बच्चे को वस्त्र भी देंगे, कुछ बड़े भैया उस साइज का बच्चे जो है, इनका जो वस्त्र है उस नाप का, बच्चे यहाँ नहीं रहने के कारण अब दूसरे बच्चों को ये वस्त्र देंगे। और इस काम के लिए सोहन बाबू को फिर एक बार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक बार बताओ तो बाबू, तुम कैसे सोचा, यूट्यूब में क्या बता रहे थे आप? यूट्यूब में सब पर वीडियो बना रहे थे, हम भी सोचे कि कुछ करें। चलो बहुत अच्छा, हम लोग थोड़ा मैम से बात करेंगे। मैम, मैंने इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा काम है जी। ऐसे ही सारे बच्चों को आगे आना चाहिए जो फालतू हम लोग खर्चा करते हैं, कम से कम उससे इन गरीब बच्चों के चेहरे पे जो खुशी जो देखे आज हम लोग, तो लग रहा है वो एक नाश्ता के लिए वो लोग इतना खुश हैं, अगर कुछ और हम लोग करेंगे तो उनके चेहरे पे कितना ज्यादा खुशी। माने ये बच्चा जो सोहन महतो ने जो माने अपना ये काम माने प्रयास किया है, ये एक वो और बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा माने संदेश है, एक माने इससे कुछ बच्चे सीख भी ले सकते हैं अपना जन्मदिन पर जो है बेवजह खर्चा नहीं करके जो है इस तरह के बच्चों के बीच जो है अपना जन्मदिन मनाए। आपका परिचय मैम दीजिएगा थोड़ा। साइका निगर, टीचर है। चलिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर की ओर से आपको मैम और आपके सभी स्कूल के बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद इस कार्य के लिए। और सर हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज लाइव से जुड़ेंगे, सर आपका परिचय दीजिएगा। मैं मंतोष कुमार महतो जी, एमपीएस में गणित का टीचर हूँ जी। सर अभी जो सोहन महतो का जन्मदिन पर एक बहुत अच्छा प्रयास, माने इसको हम लोग जितने भी बच्चा का प्रशंसा करेंगे कमी होगा कि 5वीं कक्षा में पढ़कर जो YouTube देख कर ऐसे सोचा, तो इसके लिए फिर एक बार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर की ओर से आपको, आपके पूरे स्कूल टीम को, बच्चे को बहुत बहुत साधुवाद। क्या कहेंगे सर इस पर? ये एक बहुत अच्छा नेक प्रयास है, बच्चों को अगर अभी से इस तरह का ज्ञान अगर शुरू से दिया जाए तो आगे चल के बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर सकते हैं। और इस तरह गरीब असहाय बच्चों का मदद करना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए उपलब्धि का सामान ही होगा कि अपना जन्मदिन में इस तरह से काम करते रहे और आगे भी बढ़ते रहे। चलिए सर, फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।